हाय एवरीवन, मैं हूं अनुराधा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं मिक्स दाल और वेजिटेबल्स रायता। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। एक बॉल ले लें, इसमें डाल दें हाफ कटोरी चना दाल और हाफ कटोरी मूंग दाल, इसी के साथ हाफ कटोरी साबुत मूंग दाल। जब भी आप मिक्स दाल बनाएं तो थोड़ी साबुत दाल को भी इसमें शामिल करें। जो भी आपके पास दालें हों उसको डाल के भिगो लें। इन दालों को एक घंटे के लिए पानी में भिगो दें। अगर आपको जल्दी दाल बनाना है तो इसको गर्म पानी में भिगो दें। गर्म पानी डालने से ये दाल 20 से 30 मिनट में तैयार हो जाती है बनाने के लिए। अब इस दाल को अच्छे से हाथों से साफ कर दें और इसका पानी निकाल दें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरा पानी दाल का निकाल दिया है और कुकर में ट्रांसफर कर दिया। सिम डाल दें 2 से 3 ग्लास पानी और साथ में डाल दें हल्दी पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के कुकर में 4 से 5 सीटी लगा के पका लें। अब इस पैन में 1 बड़ा चम्मच तक तेल डाल दें। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब गैस का फ्लेम लो कर दें। तो इसमें डाल दें काली मिर्च, लौंग और दालचीनी। साथ में डाल दें 1 तेज पत्ता, 2 साबुत लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने के बाद इसमें डाल दें बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां। लहसुन को थोड़ा ज़्यादा डालें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अदरक लहसुन को थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए भून लें। अदरक लहसुन अच्छे से भून जाए इसमें डाल दें 2 बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। प्याज तो भूनते भूनते गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें ऐड कर दें 1 पिंच हींग, 1/2 चम्मच तक रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच तक हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। नेक्स्ट अब इसमें डाल दें 2 से 3 बारीक कटे हुए टमाटर। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। नमक मैंने पहले भी डाला है इसलिए थोड़ा कम डालें। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन को मसालों के साथ अच्छे से भून लें 5 मिनट के लिए। ये देखिए टमाटर, अदरक, प्याज सब कुछ भून चुका है। इसी में डाल दें ये दाल। दाल को अच्छे से मिक्स कर दें। गैस का फ्लेम यहाँ लो करके इसको ऐसे ही चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लें। दाल तो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसमें डाल दें हरा धनिया। किन मानिए फ्रेंड्स, ये दाल जब भी आप बनाएंगे तो लोग पूछेंगे कहाँ से मंगवाई है। इसको बॉल में निकालें और गर्मा गर्म सर्व करें रोटी और राइस के साथ। हम बनाएंगे रायता। दही में डाल दें 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, तो अकॉर्डिंग काला नमक डाल दें। दालों को दही के साथ मिक्स कर दें। इसमें डाल दें कैरेट, कोकम्बर और ऑनियन और थोड़े से टमाटर के पीसेस। इन सब वेजिटेबल्स को चम्मच से मिक्स कर दें। जब वेजिटेबल्स दही के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए इसी में डाल दें पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते डालने से रायता का टेस्ट और बढ़ जाता है। ये देखिए रायता भी बनके तैयार है। अब इसको बॉल में निकालें और सर्व करें। गार्निश कर दें इसको। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।